प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। हनुमान जी माता जानकी से चूड़ा मन लेकर के लंका से प्रस्थान करते हैं। चलते समय हनुमान जी महाराज ने श्री राम का इस प्रकार जय ध्वनि लगाया, लंका में जितनी गर्भवती स्त्रियां थी सबकी गर्भ नष्ट हो गई। चलत महाधुनि गरज सिधारी, गर्भस्त्र वही सुनि निशिचर नारी। हनुमान जी महाराज ने लंका से प्रस्थान करते हैं। तीव्र गति से आंधी के समान हनुमान जी महाराज ने दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा, मानो दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ आंधी टूट पड़ी हो। हनुमान जी महाराज लंका से प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचते हैं जहां सारे बंदर भालू लोग हनुमान जी महाराज के प्रतीक्षा में लगे थे। यदि अब हनुमान ने माता जानकी की पता न लगाया होगा, महाराज सुग्रीव ने हम सबको मार डालेगा। सारे बंदर भालू लोग बैठ करके एक टक हनुमान जी के प्रतीक्षा में लगे हैं। आकाश से जय ध्वनि सुनाई पड़ता है, जय श्री राम जय श्री राम। सारे बंदर भालुओं के कान में जय श्री राम नाम का जय ध्वनि अष्टपष्ट सुनाई पड़ता है। सारे बंदर भालू लोग इस आवाज को पहचान जाते हैं, यह तो हनुमान की आवाज है। हनुमान जी सारे बंदर भालू के समीप आते हैं। सारे बंदर भालू लोग प्रसन्न होकर के नाचने झूमने लगते हैं। जाई पुकारे सबा बन उजारी जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। सारे बंदर भालू लोग प्रसन्न होकर के बगीचा में जाकर के फल खाने लगते हैं। इधर हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के निकट आते हैं। प्रभु श्री राम अस्फटी के पत्थर पर भैया लक्ष्मण सहित बैठे हैं। हनुमान जी जाते ही प्रभु श्री राम के चरण को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। प्रभु श्री राम बार बार प्रश्न करते हैं, कहो हनुमान क्या मेरी सीता अभी जीवित है? क्या वह मुझे याद करती हैं? मैं उन्हें याद आता हूं। हनुमान बोलो, रहति करति रक्षा स्व प्राण की, मेरी सीता किस प्रकार अपनी प्राणों की रक्षा करते हैं? हनुमान तू बोलो। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जत्रित, जाहि प्राण के ही बात। जो जीव जो भक्त आपके नामों का रात दिन चौकीदारी किया करता हो, ध्यान ही जिसका किवाड़ का काम करता हो,
लोचननी जी पद जंत्रिता, जो व्यक्ति जो भक्त आपके विरह में अपने नेत्र से पल पल आंसू टपकाया करता हो, जाहि प्राण के ही बाट, वैश्य व्यक्ति का, वैश्य भक्त का, वैश्य जीव का प्राण उसके शरीर से कैसे अलग हो सकता है हे नाथ। हनुमान जी भक्त भगवान से माता जानकी की पूरे समाचार सुनाते हैं कि हे प्रभु, जब मैंने लंका में प्रवेश किया, रावण का छोटा भाई विभीषण मुझे मिला। वही विभीषण ने माता जानकी की पता को बतलाया। मैं उस अशोक वाटिका में पहुंचा। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर पत्ते में छिप करके मैं बैठ गया। रावण उसी रात को आया माता जानकी को तरह तरह का त्रास भय दिखलाकर, एक महीने का समय देकर उसी भवन को लौट आया। मैं माता जानकी के समीप जाकर के आपका समाचार सुनाया है नाथ। हे प्रभु, माता जानकी को श्रीलंका में एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती। हे प्रभु, माता जानकी की माथी की केस जटा के समान बनी है हे नाथ। माता जानकी अपने भेष को जोगनी के समान बनाए रखी है। माता जानकी आपके विरह में दिन प्रतिदिन सुखी जा रहे हैं। हे प्रभु, रावण ने माता जानकी को एक महीने का समय दिया है। यदि उस एक माह के अंदर आप नहीं चलते तो अब माता जानकी जीवित नहीं बचेंगी हे नाथ। जितना जल्द हो सके सारे बंदर भालुओं को एकत्रित किया जाए। भुज बल खल दल जीती, और अपने भुजाओं के बल से राक्षसों को जीत करके माता जानकी को लाया जाए हे नाथ। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण को पकड़े हैं, बार बार वंदन करते हैं कि हे स्वामी, अब विलंब करना उचित नहीं होगा, नहीं तो माता जानकी अब जीवित नहीं बचेगी। लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मोरे। जय हो। हे नाथ, अब विलंब करना उचित नहीं होगा। ओही जे बाड़ी सीता हो मैया, ओही जे बाड़ी आर जान की मैया, रोवा ताड़ी बेजो, ओही जे बाड़ी सीता हो मैया, रोवा ताड़ी बेजो। लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मो। लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मो, ओही जे पारी सीता हो मैया, ओही जे पारी जानकी मैया, रोवा ताड़ी बेजो, ओही जे पारी सीता।
सीता हो मैया रोवा ताड़ी पे जो दिन में चैन आता है ना ही रात को नींद ही आती है। हे प्रभु करत नईखी अन जल पान हो गई कमजोर त्रिभुवन स्वामी मोर कहियाले दर्शन दी है त्रिभुवन स्वामी मोर Thank you.
राहुल तिवारी मनोहर कहे ले लजया राखी मो नित दिन रऊरे गुणव हो गायब नित दिन रऊरे गुणव हो गाये अमवा जा प्रेम तो नित दिन रऊरे गुणव हो गायब अमवा जा प्रेम तो लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मोर लंका नगरी चली नए प्रभु जी बतिया मानी मोर